वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी पोहा इन माइक्रोवेव। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के पोहा माइक्रोवेव में बहुत ही कम ऑयल में बनाऊंगी। इसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक कप नॉर्मल पोहा लिया, एक चम्मच ऑयल यूज करूंगी, एक ओनियन, दो ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा, आधा लेमन का जूस यूज करूंगी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राय, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक चम्मच रोस्टेड सिंग दाना, एक चम्मच हरी धनिया बारीक चॉप करके रखा। पोहा को पहले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ और पानी स्टैंड करके साइड में छोड़ देती हूँ। अच्छी तरह से वॉश करके पानी स्टैंड कर लेती हूँ। पोहा को पानी स्टैंड करके ऐसे साइड में छोड़ देती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। माइक्रोवेव पर एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया, उसमें एक चम्मच ऑयल ऐड कर देती हूँ। माइक्रोवेव में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया 100 पावर में 2 मिनट। ऑयल गर्म हो गया, जो राय और जीरा लिया वो ऐड कर दिया, मिक्स कर लिया, और जो अनियन और ग्रीन चिली लिया वो भी ऐड कर दिया, साथ में रेड चिली और हल्दी पाउडर ऐड करके और 2 मिनट माइक्रोवेव में कुक कर लूँगी। सारे मसाले के साथ माइक्रोवेव में और 2 मिनट कुक कर लूँगी। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया। करी लीव्स देना भूल गया था तो अभी ऐड कर दिया, और जो पोहा पहले से ही वॉश करके रखा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके मिक्स कर लूँगी। पोहा ऐड कर दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और 2 मिनट माइक्रोवेव कर लूँगी। ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देती हूँ, वो भी मिक्स कर लेती हूँ। चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। और 2 मिनट हो गया, पोहा बन के रेडी हो गया। बहुत ही गर्म रहता है। पोहा बन के रेडी हो गया। अभी जो लेमन लिया था लेमन का जूस ऐड कर दिया और एक बार मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम ऑयल में पोहा बन के रेडी हो गया। अभी जो रोस्टेड पीनट लिया था वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके प्लेटिंग कर लेती हूँ। अभी पोहा सर्व कर लेती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट पोहा बन के रेडी हो गया। बहुत ही कम ऑयल में और 5 मिनट में हेल्दी पोहा बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही टेस्टी और 5 मिनट में पोहा बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।